बिसम अस्सलामुअलैकुम आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कलेजी फ्राई रेसिपी जो कि बहुत ही इजी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहाँ पर मैंने एक किलो कलेजी ली है उसको अच्छे से वॉश कर लिया है हमने इसका सारा पानी हमने हटा देना है और अब दो बड़े चम्मच ऑयल लेकर हमने उसमें फ्राई करना है इसको तो उसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें फ्राई करना है तो इसे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और बहुत ही इजीली बनती है और बहुत टेस्टी लगती है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए तो देखिए यहाँ पर हमने ये मसाले लिए हैं तो यहाँ पे दो चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर की ली है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और दो चम्मच हमने चिकन टिक्का मसाला लिया है और दो चम्मच ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है हमारी इस कलीजी का तो सबसे सब पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको पाँच मिनट के लिए भूनेंगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है तो उसका कलर चेंज हो चुका है अब हम इसके बाद हम जो ये सारे मसाले हैं सूखे ये ऐड कर देंगे इसमें अभी हमने नमक नहीं शामिल किया है तो हमें इसको बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है दस मिनट के लिए तो मसाले भी सारे इसमें मिक्स होंगे और जो हमारी कलेजी है वो भी अंदर से गल जाएगी तो दस मिनट तक हमने इसको धीमी आंच पर पकाया है और उसके बाद हमने इसमें नमक शामिल किया है तो यहाँ पर हमने पहले से प्याज फ्राई कर कर रख दी थी तो सबसे लास्ट में हम इसमें प्याज डालेंगे एक बड़ी प्याज ली है हमने यहाँ पर जिसे हमने गोल्डन फ्राई कर लिया था तो देखिए हमारी कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनती है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अल्लाह हाफिज़